झुंझुनू से अब आपको खबर बता दें, रोडवेज का ऑपरेशन 100 रूट आज शाम तक फाइनल हो जाएगा सब कुछ। कल से 100 रूटों पर बसेज चलेंगी, पहले भी शुरू की गई थी। आपको बता दें 55 रूटों पर बसें पहले शुरू की गई थी। शेखावाटी में भी करीब 1 से 2 दर्जन बसें चलेंगी। झुंझुनू में करीब 2.5 महीने बाद ये बसें चलेंगी। झुंझुनू आगार से 5 और खेतड़ी से 4 के प्रस्ताव, ठहराव बड़े कस्बों में ही होगा। रोडवेज बसों का ठहराव को बेहद कम किया जाएगा, जो बड़े कस्बे हैं वहां पर ठहराव होगा और बहुत कम किया जाएगा। करीब 2.5 महीने के बाद ये बसें चलना शुरू होगा। झुंझुनू में कोरोना का मरीज आने के कारण 18 मार्च को कर्फ्यू लग गया था और 18 मार्च के बाद से रोडवेज की बसें बंद कर दी गई थी। अब कुछ दिन पहले 55 रूटों पर रोडवेज ने बस चलाई थी और झुंझुनू में केवल एक बस जयपुर से गंगानगर के लिए रवाना होती है, जो यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचती है जयपुर से, और वापस जयपुर जाने के लिए गंगानगर से आती है वो 3 बजे के लगभग यहाँ पे आती है। उनमें अभी तक तो ये था कि ऑनलाइन जो है रिजर्वेशन होगा, ये प्रोसीजर था। अब जो है नए अनलॉक डाउन 1 में 100 रूट और चलाए जा रहे हैं रोडवेज के द्वारा, जिनमें झुंझुनू डिपो को भी 5 बसें 5 रूट अलॉट